हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हैं आप मेरे साथ मेरे गार्डन में। और आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है रजनीगंधा, जो कि आप देख ही रहे होंगे कितने सारी फ्लावर्स मेरे इस क्यारी में, छोटी सी क्यारी में खिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अप्रैल के महीने में इनको ग्रो किया था बल्ब से, और जो मैंने ये बल्ब्स लगाए थे तो इसका जो सॉयल मिक्सचर रखा था वो मैंने 60% सॉयल थी मेरी, 30% गोबर की खाद, बहुत अच्छे से जो सड़ी हुई खाद होती है, और 10% के करीब आप चाहे तो कोकोपीट ले लीजिए, नहीं तो मैंने तो सैंड ली थी, रिचो रेत होती है बजरी, वो ली थी रिवर सैंड। और इनका बहुत अच्छे से मिक्सचर बना के, वेल ड्रेन्ड सॉयल बनाकर, और मैंने इन बल्ब्स को ग्रो किया था। और करीब 15 डेज में मेरे जो बल्ब्स थे उनकी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी थी। और इस तरह से अब कम से कम मुझे अप्रैल से अब जुलाई में हो रहे हैं, तो पूरे प्रोसेस में 2 से 2.25 महीने मुझे लगे हैं, और अब मुझे कितनी सारी फ्लावरिंग मिल रही है आप देख ही रहे होंगे। हर बल्ब पे कोई ना कोई कली बन ही रही है, बहुत छोटी छोटी कलियां भी नीचे से देखिए आई रही है, मैं दिखाती हूँ बहुत पास से आपको। और इस तरह से ये कलियां बन रही हैं, और जो ये कली होती है दोस्तों, ये एक स्टिक के तरह से स्पाइक एक निकलती है इसमें से, और इसी में फ्लावर्स खिलते रहते हैं, ये देखिए गुच्छे के रूप में। आपने दोस्तों ये हमेशा आपने कहीं फ्लावर अरेंजमेंट में या कोई बुके जो हम बाज़ार से लाते हैं उसमें हमेशा ये लगे होते हैं, इसके गजरे, या फिर आपने इसकी मालाएं भी देखी होंगी बाज़ार में, तो ये वही फूल हैं। और बहुत ही सुगंधित आप कह सकते हैं इनको, बहुत ही प्यारी खुशबू इनमें आती है, और इनका सेंट भी बनता है दोस्तों। तो ये इस तरह से जो मानसून है, जुलाई का जो महीना होता है या बारिश कह लो, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और ये दोस्तों इसी मौसम में खिलते हैं, और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अगर आपने ये कभी ग्रो नहीं किया है तो आप नेक्स्ट सीज़न में इसको ज़रूर ग्रो करें, और ये बहुत ही आपका दिल खुश हो जाएगा इनको, इनके फूलों को देखकर। तो इस तरह से मैं आज आपको इसी के बारे में थोड़ी सी और बातें बताती हूँ। तो दोस्तों, जब आपने बल्ब लगाए होंगे ये, या आप लगाएं जैसे मैंने लगाए थे, तो इसमें बस आप अच्छे से पानी दीजिए, और फिर बार बार पानी मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे आपकी ऊपर की जो गार्डन सॉयल है वो सूख जाती है, जब ड्राई हो जाती है तब आप इसमें पानी दीजिए, क्योंकि अगर हम अपनी मिट्टी में ज़्यादा कीचड़ कर देंगे दोस्तों, तो वो जो बल्ब है उसमें फंगस से वो सड़ने लग जाएगा, और वो अच्छे से स्प्राउट नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसमें वाटरिंग का ध्यान रखिए, सॉयल का, मिक्सचर का मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप जब इन बल्ब को ग्रो करें तो कम से कम आप 1 फिट की दूरी पर करें, बहुत ज़्यादा पास पास ना कर दें इनको, क्योंकि जो बल्ब है वो नीचे और अपना जो साइज़ है वो बड़ा करता है, क्योंकि इस बार तो लॉकडाउन पीरियड में हमको कहीं बाहर जाने का भी मौका नहीं लगा, और जो ये मेरे बल्ब्स थे ये मेरे पिछले से पिछले साल के थे, तो पिछले साल भी मैंने इनको ग्रो किया था, और बाद में इनको खोद कर संभाल दिया था, छाँव में रख दिया था, और जब गर्मियाँ आई स्प्रिंग के बाद मैंने फिर इनको ग्रो कर लिया। तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी मुझे तो फ्लावरिंग मिली है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम हर साल बाज़ार से लाएंगे तभी हमारे फूल खिलेंगे। अगर इन बल्ब्स को भी आप समय से संभाल कर रख देंगे, जैसे विंटर फ्लावर्स से पहले मैं इनको कर दूँगी, क्योंकि ये वाले जो मेरे फ्लावर्स हैं अक्टूबर तक चलेंगे, और सेप्टेम्बर अक्टूबर तक ये हमें फूल देंगे, और फिर जब गुलदावरी का मौसम आ जाएगा तब मैं इनको निकाल कर अपनी गुलदावरी लगाऊंगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप भी अपने जो बल्ब्स हैं उनको संभाल कर रख दीजिए दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम नेक्स्ट सीज़न के फ्लावर्स लगाते हैं तो खुरपी वगैरह लगने से या गुड़ाई करने से कई बार हमारे जो बल्ब्स हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं, तो आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको बहुत ही प्यारे फूल मिलेंगे। और ये देखिए, ये जो स्पेंट फ्लावर्स हैं या जो मुरझा गए हैं फूल, इनको आप निकालते रहिए, उससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो क्यारी है उसमें एक फ्रेशनेस बनी रहेगी और बहुत खूबसूरत लगेगी, और दूसरा जो इस पौधे की एनर्जी है वो इन जो सूखे हुए फूल हैं, जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, उनको नहीं मिलेगी, और वो अपनी पूरी एनर्जी नए फूल बनाने में लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो गार्डन है उसको, उसकी खूबसूरती को मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें इसमें तो आप समय समय पर इसमें बोन मील भी डाल सकते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जो ये बल्ब्स हैं जब ये स्प्राउटिंग के बाद थोड़ा बड़े होते हैं तो इनको एक फॉस्फोरस की मात्रा चाहिए होती है, उससे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आप बोन मील दे सकते हैं इसमें, बोन मील की डस्ट डाल सकते हैं, और जब आपको लगे कि अब 1 महीना हो चुका है और अब अच्छे से इसमें फूल बनने का टाइम आ रहा है और आपके फूल अभी आने को नहीं है, तब आप इसमें पोटेशियम या पोटाश डाल सकते हैं,
उससे क्या है कि पोटाश जो है वो हमारे जो पौधे हैं उनमें फ्लावर्स बनाने का काम बहुत अच्छे से करता है और पूरी एनर्जी इसको देता है हमारे बल्ब्स को। तो आप इस तरह से पोटाश डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालते तो आप इसको गोबर की खाद का मैन्योर भी दे सकते हैं, लिक्विड मैन्योर बना के, उससे भी आपके जो ये फ्लावर्स हैं बहुत ही अच्छे से चलेंगे दोस्तों। और आप देख रहे होंगे कि हर बल्ब में से एक दो स्पाइक्स निकली हुई हैं और इस तरह से ये फ्लावर अरेंजमेंट इस पर हो रखा है। तो ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू आती है। अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं तो ये आपको अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है इसकी खुशबू। तो आप इनको ज़रूर ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए और अपने गार्डन को बहुत ही खुशबू से महकाइए। तो दोस्तों, मैंने ज़्यादातर तो सारी बातें आपको बता ही दी हैं और एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए ये रात को भी बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं मोस्टली रात को खिलते हैं और रात को ही इसकी खुशबू जो है बहुत महसूस आप कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो इस तरह से रजनीगंधा को आप ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप इनके अगर बल्ब संभाल लेते हैं, पहली बार तो आपको लाने पड़ेंगे, अगर आप इन बल्ब्स को फिर आने वाले नेक्स्ट सीज़न के लिए भी संभाल कर रख सकते हैं, आपके जो ये फूल हैं बल्ब्स हैं आपको बहुत ज़्यादा फूल देंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।